मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो केवल मरने वाले का शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं कौन सी है। जिसने जैसे कर्म किए हैं, उसको उस हिसाब से सजा सुनाई जाती है और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वो भी उनके कर्मों से ही निर्धारित होता है। तीन मार्ग जहां पर आत्माओं को ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा को तीन मार्ग पर चलना होता है और सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है, उसके बाद ही वो सब मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। हालांकि उसके पश्चात ही अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है और यही से निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेगी। तो आइए जानते हैं उन तीन मार्ग के बारे में जहां से आत्माओं को गुजरना पड़ता है। अर्ची मार्ग, ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। धूम मार्ग, पितृलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, नर्क की यात्रा पर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को क्या क्या सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए और उसे नरक में मिलने वाले सजा या दुखों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली 15 सजाएं मिलती है और उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं और अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। जो नाजायज संबंधों के मजे लेते हैं, बाद में मरने के बाद उस तरह की आत्माओं को पहले कोड़े से पीटा जाता है। अंधतम तसम नर्क का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को गर्म लोहा करके मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। रौरावम सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वहीं रहने दिया जाता है। कुंभिपाकम कुंभिपाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। काला सूत्रम ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असितापत्रम ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तप्त मूर्ति जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। कृमि भोजन ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप ही खा जाते हैं। उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है। सलमाली
ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती हैं। पुयोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ गलत काम किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची, ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसो भोजन, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है, वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंडसुकम, जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो दुनिया से सारे पाप मिट जाएंगे। इन पापों को जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।